तो चलिए अब हम इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यह पूछा है कि चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और 2 मिनट का समय लीजिए। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसके सोल्यूशन में आप ये देख सकते हैं, हम सबसे पहले तीनों का चार्ज बाय मास का रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो जो चार्ज बाय मास का रेशियो, उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर इस तरीके से आता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का है, फिर प्रोटॉन का है और फिर न्यूट्रॉन का।